पाठ आठ, आजादी के गीत। आओ तैयारी करें। 1857 से 1947 तक ब्रिटेन की रानी या राजा भारत पर शासन करते थे। उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम देश माना जाता था। पूरा देश इस गुलामी के विरोध में उठ खड़ा हुआ। इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस संग्राम के नेता थे गांधी जी। उनकी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई थी। अहिंसा की लड़ाई का अर्थ है सरकार का काम न करना, सरकार के गलत कार्यों का विरोध करना आदि। जनता ने अहिंसा अपनाई, लेकिन हुकूमत ने स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म ढाए। लोग जुल्म से घबरा कर लड़ना न छोड़ दें, इसके लिए जरूरी था उनमें जोश भरना। इसी के लिए कई नारे बनाए गए, जोश भरने के लिए कई कविताएं लिखी गईं। बच्चों, तुमने छोटी कक्षाओं में एक कविता सीखी या पढ़ी होगी, या फिर यहाँ फिर से वह कविता देखो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। इस गाने को हम प्रयाण गीत मार्चिंग सॉन्ग कहते हैं। इसे मार्चिंग गाना क्यों कहा जाता है? जिस तरह सैनिक लेफ्ट राइट करते हुए कदम बढ़ाते हैं, सरकार के अत्याचार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी नारा लगाते हुए या प्रयाण गीत गाते हुए जाते थे। इसलिए प्रयाण गीत को पढ़ने का तरीका ही अलग है। जो शब्द रंगीन अक्षरों के साथ है, उन्हें जोर देते हुए बोलो। ये शब्द ऐसे लगने चाहिए जैसे बल के साथ लेफ्ट राइट बोल रहे हो। चलने के साथ गाए तो हमें हर रंगीन शब्द के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अभी तुमने जो कविता पढ़ी उसे छोटे बच्चों के लिए कवि ने लिखा। अब एक दूसरा प्रयाण गीत पढ़ो जो बड़ों के लिए लिखा गया है। प्रयाण गीत। न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही अमृत का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगल का आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, पढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो।